Hi, I'm again on my YouTube channel Brainless Spoken English, an initiation towards English language. Today in this session we will learn plural subjects with a visible action. Okay, तो plural subjects क्या होते हैं? जो greater than one हो उसको plural बोलते हैं. Greater means ज्यादा, एक से ज्यादा. It means कोई भी चीज that refers to more than one. एक से ज्यादा कोई भी चीज अगर refer कर दे तो उसी को plural कहते हैं. क्या कहते हैं? Plural. जैसे मैं वी यू को भी मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, अभी करूंगा. वी दे बॉयज गर्ल्स मैन एंड चिल्ड्रन, ठीक है. एम ए एन मैन, एक आदमी. मैन मीन्स बहुत सारे, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, और चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे, ठीक है. यहाँ पे देखो, वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स वे लोग, आई मीन्स जानते हो आप, न्यूट्रल सब्जेक्ट मैंने बताया था, और आई मीन्स क्या? स्पीकर. स्पीकर को आई बोलते हैं. इफ समवन इज अ स्पीकर वो आई हो जाएगा, और अगर वो लिसनर बन जाता है तो उसी को यू में तब्दील करते हैं. आई बात समझो, इस बात को समझोगे तो वी तब बोलेंगे किसी ग्रुप में हो तुम और तुम इंक्लूड. इट मींस व्हेन स्पीकर इज इंक्लूडेड इन अ ग्रुप, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ग्रुप में स्पीकर इंक्लूड है तो वी हो जाएगा. अगर स्पीकर को एक्सक्लूड कर दो, क्या करो? स्पीकर को एक्सक्लूड कर दो, यानी कि उसको हटा दो, तो वो दे में चेंज हो जाएगा. जैसे हम लोग मैच खेल रहे हैं, इसका मतलब स्पीकर भी है. जैसे मैं हूं, आप हैं, और सारे जितने भी व्यूवर्स हैं, हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब स्पीकर इज इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, ओके. लेकिन स्पीकर हट जाए तो बोलेगा वे लोग देख रहे हैं. आई बात समझ में? मैच में अगर तुम भी खेल रहे हो और स्पीकर इंक्लूड है, इट मीन्स यू आर द स्पीकर, और तुम इंक्लूड हो तो बोलोगे हम लोग खेल रहे हैं. तुम आउट हो गए या तुम एक्सक्लूड कर दिए गए गेम से तो बोलोगे वे लोग खेल रहे हैं, मैं बैठा हूँ, ओके. क्लियर हुआ? अब बात करते यू का. तो यू के साथ, यू देखने में तो देखो, अभी मैंने बताया कि एक से ज्यादा हो गया तो प्लरल, तो यू तो एक ही है ना, तो सिंगलर क्यों नहीं है? और प्लरल वाला वर्ब्स क्यों लग रहा है? देखो, आर और वर्ब प्लरल वाला है, क्यों लगा ऐसा? यू के साथ वर्ब्स क्यों नहीं हुआ? तो सिंपल सा फंडा है, आई के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और आई वर्ब्स फॉलो कर रहा है वॉस, तो आई और वॉस का एक कनेक्शन है, तो हो सकता है कि यू के लिए ही वॉस हो पास्ट में, लेकिन वॉस को लेके भाग गया आई. क्या किया? आई लेके भाग गया, यू हो गया गुस्सा. अब कर रहा है सिंगुलर हो या प्लुरल, मैं लूंगा आर. आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि मुझे पास्ट में जाने के बाद वॉस नहीं मिलने वाला, इसलिए वो गुस्सा आ गया उसको और बोल रहा नहीं 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 वॉस मैं नहीं लेने वाला, तो यू के साथ आर लगा लिया अपने साथ, और यहां आने के बाद वॉस तो आई के साथ चला गया, तो वर लगा लिया. दूसरी बात, इसको कंसेप्चुअली समझा गया. अगर आप इमेजिनेशन करो अभी कि उसने मेरे साथ गलत किया, तो वो है क्या तुम्हारे सामने? नहीं है. अब बोलो मैंने उसके साथ गलत किया, वो है तुम्हारे सामने? नहीं. तो जो थर्ड पर्सन है, जो लिसनर भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और जो स्पीकर है जो बोल रहा है, ठीक है, इमेजिनेशन के टाइम सामने सामने नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई लिसनर आता है तो यू बोलते हैं, जैसे तुम मेरे साथ गलत किए, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया. तो ये जो यू है ये तभी पॉसिबल है, संभव है, ठीक है, जब तुम्हारे सामने हो. सपनों में या विजुअलाइज करोगे फिर भी नहीं आता. हाँ, अब मिरर के सामने जाओ तब पक्का हो जाएगा, तब तुम्हारे पास एक लिसनर है भले ही तुम, लेकिन देखा जाए तो तुम अपने आप से एक्सक्लूड कर दिए ना, मिरर में तुम ही हो लेकिन तुम एक्सक्लूड कर दिया, तब तो इम्प्रोवाइज कर पाते हो किसी चीज को बोल करके, एक्ट करते हो किसी नए नए चीजों को ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सको. मिरर में तुम ही हो लेकिन उसको टीचर समझ लेते हो और अपने आप को स्टूडेंट, और इंग्लिश इम्प्रूव करते हो कि सर हाउ आर यू, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, कैन यू हेल्प मी, तो उधर से बोलेगा नो, तो आप ही बोल रहे हो लेकिन मिरर में टीचर अपने आप को समझो. आर ही बस. तो यू के साथ आर इसलिए लगने का पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसमें कम से कम दो लोग चाहिए, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने दो तीन वर्ड और लाया है जो मैं बताना चाहता हूं. जैसे यू आर कमिंग, तो ऐसा क्यों बोलता है बोथ ऑफ यू आर कमिंग? बोथ ऑफ यू क्यों बोल रहा है? यू बोलो ना. और ऑल यू क्यों बोलता है? हाँ, ऑल यू आर कमिंग, या यू ऑल आर कमिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? होता है ना, यू ऑल आर कमिंग, ऑल यू आर कमिंग, ठीक है, या ऑल ऑफ यू. समझ में आ रहा है? तो आप लोगों में से सब, सब लोग, तुम दोनों में से दोनों, ऐसा क्यों बोला? यह समझाना चाह रहा है कि कभी कभी कंफ्यूजन ना हो, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि यू के साथ आर लग गया,
तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि वो यू सिर्फ सिंगुलर है या प्लुरल है, तो योर सेल्फ और योर सेल्फ दिया गया। योर सेल्फ अगर लग गया तो यानी कि यू सिर्फ एक इंसान के लिए बात किया गया, भले ही वो आर लगा हुआ लेकिन सिग्नलाइज करने के लिए उसको योर सेल्फ से डिनोट किया गया। इसको रिफ्लेक्सिव वर्ड है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको बोलते हैं, बाद में डिस्कस किया जाएगा इसको। और योर सेल्फ लगाए इसका मतलब है कि मैंने यू यूज किया है बहुतों के लिए। ओके, ऐसे तो बोथ ऑफ यू, ऑल यू, ठीक है, यू ऑल ऑफ यू करके आप निकल जाओ, पता चल जाएगा सिर्फ एक लड़का नहीं है। और सिर्फ एक तब होगा जब आप सेल्फ लगा दोगे, कोई दिक्कत? ओके, और कभी 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 तुम कमांड देते हो, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होता है गो देव, कोई प्यून है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर ने बोल दिया गो देव, वहां जाओ, तो यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब है कि एक ही लड़का है, और ऐसे भी कर सकता है, डू इट योरसेल्फ, खुद से करो। और लेकिन अगर कोई जनरल मैनेजर है या कोई कमांडो है और वो सॉरी कोई मिनिस्टर है और बहुत सारे कार्यकर्ता है वहाँ के, रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन लोगों को बोला है ये आप लोगों को ही करना है, डू इट योरसेल्फ, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज़ प्लराइज्ड हो गया। ओके, वही चीज़ प्लराइज्ड हो गया कि आप लोग खुद से ही करेंगे, कोई दिक्कत? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आप समझ पाए होंगे कि यू के साथ आर और वर क्यों लगता है, देखने में सिंगल लगता है फिर भी वॉज क्यों नहीं होता है। काश मैं आपको और अच्छे से समझा पाता, बट इन लेस टाइम, इन अ 7 मिनट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट विद माय बेस्ट ऑफ एफर्ट्स। आई होप यू विल लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेशन, यूज से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस में कराऊंगा ताकि आप अच्छे समझ पाओ और प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करके विजिबल एक्शन को आसानी से बोल पाओ। थैंक यू वेरी मच।